नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम मनोज परगन, डायरेक्टर ऑफ जेएसएम ट्यूटोरियल्स एंड जेएसएम आईटीएन मेडिकल हब। आज संडे है, सोचा कि आपके लिए कुछ तो भी नया करूं, इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो बहुत सारे और कोरोना पीरियड है, तो कोरोना पीरियड में हमें किस तरह से अपने आप को उसका निगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगी। तो यहाँ पे हमें अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, तो जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहली स्टेप है कि हमें ऐसा लगना चाहिए जिस सिचुएशन में हम हैं उस सिचुएशन को मुझे चेंज करना है, मुझे जीवन में कुछ तो भी करना है, यह ऐसा हमें मन के अंदर से लगना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, आपको अगर ऐसा मान के चल रहे हो कि मैं जैसा हूँ खुश हूँ, एकदम मजे में हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहला प्रश्न, मुझे नहीं पता क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ तो करना है, यह ऐसा आपके मन में लगना चाहिए। फिर कुछ तो करना है ऐसा मन में लगने के बाद अपना दिमाग खुद अपने रास्ते बनाना शुरू करना है। तो जैसे आप अगर एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो मुझे ये सिचुएशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले, अभी अगर आप 11th 12th में हैं, तो मुझे 11th 12th के बाद मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग का रास्ता, मेडिकल का रास्ता अगर है, ठीक है, आप अगर एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर अगर बनना चाहते हो, या अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या कुछ भी अगर अच्छा बनना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको आपकी जो स्टडी है उसको अच्छे से करने की, उसको बहुत अच्छे लेवल तक करने की। लेकिन कोई भी चीज़ करने के लिए रीज़न, जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता, तब तक आपके अंदर से वो पागलपन नहीं आता वो काम करने के लिए। तो वो पागलपन किसको कहते हैं, वो पागलपन कैसे आता है, वो पागलपन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर एक कोई महिला है और उनको कहा गया कि यहाँ पे एक आग लगी हुई है, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो हम होली जलाते हैं, ऐसी होली है, आप एक काम करो उसकी होली की एक जलती हुई लकड़ी को हाथ लगाओ जो जल रही है, तो वो लगाएगी क्या? बोलेगी नहीं 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 मैं नहीं लगाता। लेकिन अगर समझो उस महिला के घर में आग लग गई, पूरा घर आग में जल रहा है, और वो सारे घर के एक एक करके बाहर निकल रहे, वो महिला भी घर के बाहर निकल गई, और जब वो बाहर निकली, फायर वालों की टीम वहाँ पे पानी वानी मार रही है, लेकिन अनसक्सेसफुल है, वो घर बुझ नहीं रहा है, और उससे भी पता चला कि उस महिला की 4 साल की बेटी वहाँ पे बेडरूम में वो सो रही है, वो बाहर नहीं निकली है, तो एक सेकंड का भी विचार न करते हुए वो महिला दौड़ के घर के अंदर जाएंगी और वो बच्ची को बाहर निकालेंगी। तो इसको कहते हैं पागलपन। तो वो महिला जो हाथ नहीं लगा पा रही थी पहले उस आग को या किसी दूसरे आग को, वो इतनी आग में जाके उसने अपनी बच्ची को बचा के वापस लेके आई। क्यों? क्योंकि उसके पास एक जेन्युइन रीजन था कि कुछ भी हो जाए मेरे बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर आपको जीवन में कुछ करना है, तो जब तक आपके पास एक जेन्युइन रीजन नहीं होगा, तब तक आप आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए सबसे पहला काम आपको अपने आज ही, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज ही, अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज होना है, तो आज ही ये एक लिस्ट बना दो कि मुझे अपने जीवन में अपने आप को चेंज करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, तो इसके लिए एक लिस्ट बना दो। किसी के पास ये लिस्ट बनी नहीं होती है, क्यों मुझे सक्सेसफुल होना है, क्या कहेंगे उस लिस्ट में, क्यों क्यों नहीं, जो मेरे माँ बाप मेहनत करके मुझे पाल पोस रहे, मेरे फैमिली को पाल पोस रहे हैं, उनको मैं एक अच्छी लाइफ दिखाना चाहता हूँ, उनके लिए एक बड़ा सा घर बांधना चाहता हूँ, उनके लिए एक अच्छी सी कार लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे एक रीजन। दूसरा रीजन कि आप देख रहे हो, समझो आपके पापा फार्मर है या कोई शॉपकीपर है, आप देख रहे हो उनकी कितनी दिक्कतें
फेस करनी पड़ती है, कितने प्रॉब्लम्स उठाने पड़ते हैं, मैं ये प्रॉब्लम्स को नहीं देखना चाहता। तो दूसरा रीजन, ऐसे आपके पास ऐसे रीजन की लिस्ट बना लो, और वो रीजन की लिस्ट तो मुझे क्यों आजू बाजू वाले बोलते हैं, अरे आप तो ये ऐसे नॉर्मल जगह पे रहते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो नाम लिखो उनके, उसमें उनको लिखो, उनके नाम लिख के बोलो कि मैं आपको एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा। तो ऐसे सबसे पहले अपने पास एक रीजन की क्या बनाओ, लिस्ट। तो इस रीजन को कंप्लीट करने के लिए मुझे मेहनत करनी है। तो ये सबसे पहली बात कि हमें अंदर से कुछ ऐसा लगना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका बताता हूँ। एक दो भाई थे, एक गांव में रहते थे, और वो गांव में सूखा रहता था, मतलब उस गांव में पानी नहीं आता था, पानी का बहुत शॉर्टेज रहता था उस गांव में। तो वो दो भाई का काम क्या था, उस गांव से कुछ 10-12 किलोमीटर पे एक नदी वहां से बहती थी। तो वो दोनों भाई अपने मिट्टी के जो घड़े रहते थे, वो मिट्टी के घड़े से वो नदी से पानी भरते थे, और गांव में लाके एक घड़ा 1 रुपए का ऐसा बेचते थे। बहुत बहुत साल पुरानी, 100-200 साल पुरानी कहानी। तो वो घड़ा बेचते थे, दोनों का बढ़िया चल रहा था। सुबह सुबह दोनों पानी लाने जाते थे, 8-10 घड़े पानी ला के बेच देते थे। बेचने के बाद फिर दोपहर को बढ़िया आराम करते थे, शाम को फिर 8-10 घड़े पानी लाते थे, मतलब रोज के 10-15 रुपए कमाते थे, और उसके बाद बढ़िया उनका एक दिन का गुजारा उसमें हो जाता था, और ऐसी दोनों की लाइफ चलती। अब इन दो भाई में से एक भाई को एक दिन ऐसा लगा कि ये क्या हमारी लाइफ है, अगर गलती से मैं 2-3 दिन के लिए अगर बीमार गिर गया तो फिर मेरे घर पे चूल्हा कैसे जलेगा, मेरे घर पे खाने के लिए कौन लाके देगा। ऐसा एक पहले भाई को लगा, उसने अपनी ये जो उसको जो मन में लगा उसने बड़े भाई को बोला कि भाई अगर हम 2 दिन के लिए बीमार पड़ गए तो कैसा होगा, क्या होगा। तो बड़े भाई, अरे क्या तू क्या सोचता है, बोलते निगेटिव सोचता है कि बढ़िया हमारा चल रहा है, बढ़िया हम पानी ला रहे हैं, बढ़िया खाने को मिल रहा है, वगैरह वगैरह, क्या करने की जरूरत है, ऑलरेडी हमारा बिजनेस अच्छा है। दूसरे जो पहले के मन में ये विचार आया था वो बोलता है कि नहीं, तेरे को लग रहा है कि अच्छा है, मैं भी कह रहा हूँ कि अच्छा है, लेकिन हमें और कुछ तो भी नया ढूंढना चाहिए। तो जो दूसरा वाला था उसको लग रहा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इट इज गोइंग ऑन वेल, ठीक है। लेकिन दूसरे के मन में आया कि मुझे चेंज करना है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो जब मन में कोई सवाल उठता है ना, तो दिमाग खुद हो कि उसके आंसर ढूंढना शुरू कर देता है, और सिर्फ दिमाग ही नहीं, आंखें एंड वो बॉडी अपनी। तो एक दिन वो जो जिसके मन में वो सवाल आया था पहला वाला, वो ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव किसी काम से जा रहा था, बीच में उसको प्यास लगी, प्यास पीने के लिए, पानी पीने के लिए वो एक कुम्हार का वहाँ पे दुकान था या घर था, उनके घर को गया और पीने के लिए पानी मांगा, तो वहाँ की एक बच्ची ने उनके लिए पानी काय में लाया एक मिट्टी के ग्लास में, तो उनको मतलब ऐसा मिट्टी का ग्लास उनके हाथ में दिया, और उसके हाथ में एक ऐसा अलग सा बर्तन बना था, उस बर्तन में पानी भरा था, और उस बर्तन को ऐसी एक लंबी मिट्टी की एक पाइप जैसा कुछ था, वो उसने ऐसा बर्तन ऐसा किया तो उसमें से पानी उसके ग्लास में गिरा, और वो देख के ही उसके दिमाग में लाइट जल गया कि देखो पानी उसने वहां पे डाला है, लेकिन वो चलते चलते खुद होके इस मिट्टी के पाइप से वो पानी बहते हुए मेरे ग्लास में आया है। तो तभी उसके दिमाग में ऐसा ही, अगर मैं पाइप अपने गांव के नदी से अपने गांव तक अगर डाल दूं और एक इंसान वहां पे रख के वो उसमें पानी डालेगा तो पानी डायरेक्ट गांव में आएगा, तो हमें इतने 10 किलोमीटर की जो रोज का हम आते जाते हैं वो जाने की जरूरत नहीं गिरेगी। और एक दिन में मैं अगर 10 या 12 घड़े लाता हूँ तो मैं 50 के घड़े पानी एक दिन में ला सकता हूँ। तो उसने वो दिमाग लगाया, उसने रोज का जो अपने सिर के ऊपर जो घड़े वो लाता था वो काम तो चालू ही रखा, लेकिन सिर्फ रोज का आधा आधा घंटा, एक एक घंटा उसने क्या किया, नदी से लेके अपने गांव तक एक ऐसी क्या बोल सकते हैं हम, ऐसी टनल या क्या बोल सकते हैं ऐसी कैनल हम जिसको बोलते हैं, ऐसा कैनल खोदना शुरू कर दिया। और फिर उस कुम्हार को बोला कि मैं तेरे को पैसे धीरे धीरे दूंगा, तू मेरे को इतना बड़ा ऐसी मिट्टी का पाइप बना के दे।
फिर उसने वो पाइप बनाया, उसमें डाला और फिर वो नदी से उधर से पानी डालने लगा और इधर पानी आने लगा। अब क्या हो रहा था, जो घड़ा वो 1 रुपए में बेचते थे वो घड़ा अभी ये सिर्फ 3 रुपए में बेचता है, 50 पैसे में बेचता है। तो घड़ा अभी जो पानी है लोग किससे खरीदेंगे, पहले वाले से खरीदेंगे कि दूसरे वाले से खरीदेंगे? किससे खरीदेंगे? दूसरे वाले से। पहले वाले से कोई भी घड़ा मतलब कोई भी पानी खरीदने को तैयार नहीं है। और ये जो एक दिन का 20 घड़ा पानी लाता था या 10 घड़ा पानी लाता था वो अभी 100 घड़े पानी लाने लगा, और 100 घड़े पानी 50 रुपए का होने लगा। जो पहले सिर्फ 10 या 20 रुपए कमाता था वो 50 रुपए कमाने लगा, उसमें से 5-5 रुपए उसने अपने जो 2 आदमी रखे थे उनको दे दिए और अभी वो 40 रुपया बैठे बैठे कमा रहे। और पहले वालों के एक भी घड़ा बिक नहीं रहा है, उससे कोई भी पानी लेने के लिए तैयार नहीं है और वो भी उसके खाने के बाद। तो अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, दुनिया तो चेंज हो रही है, तो एक दिन आपके पास जो है वो भी नहीं बचेगा। इसलिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और आप चेंज तब होंगे जब आपके मन में आएगा कि मुझे चेंज होना है। जब तक आपके मन में नहीं आएगा कि मुझे चेंज होना है, तब तक आप उस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे और आप कभी जिंदगी में चेंज नहीं होंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया कि सबसे पहली स्टेप है कि अपने मन में आना चाहिए कि मुझे चेंज होना चाहिए। पहली बार वो आने के बाद सपने देखना शुरू करो कि मुझे ये टारगेट है मेरे, ये सपने हैं, ये सपनों को पूरा करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी सपना आपने देखा होगा जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने जो भी सपना देखा होगा, जो भी काम आप करना चाहते हो, वो सारे काम इजीली हो सकते हैं। मतलब हो सकते हैं, इजीली नहीं बोल सकता, हो सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ये एक वर्ड है जो डिक्शनरी में पाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल नाम का कोई मतलब कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि जब जब किसी लोगों ने इम्पॉसिबल ये वर्ड का यूज किया तो कुछ 2-4 साल बाद 10 साल बाद कोई तो भी ऐसा पागल इंसान आया जिसने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। तो इसलिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है। अगर आप किसी भी चीज का बार 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 प्रयास करते हो, अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिविजन करते हो, तो इम्पॉसिबल वर्ड भी पॉसिबल हो जाता है। एक बहुत बढ़िया सा कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल्पर पड़त निशान। मतलब करत करत अभ्यास के किसी भी चीज का अगर हम अभ्यास करते जाएंगे तो एक जड़मति मंदबुद्धि इंसान भी एक बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। और इसका एग्जाम्पल है कि अगर मैंने बोला कि आपके पास एक पत्थर दिया और रस्सी दी तो कौन किसको काटेगा, तो बहुत सारे लोगों का एक ही कहना होगा कि कौन किसको काटेगा, रस्सी पत्थर को काटेंगे कि पत्थर रस्सी को काटेगा, पत्थर रस्सी को काटेगा। लेकिन जो कुआ रहता है कुएं के ऊपर, अगर रोज रोज रस्सी से आप पानी निकालेंगे तो कुएं का जो पत्थर होता है उसके ऊपर भी एक निशान गिर जाता है। वो रस्सी रोज 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 उस पत्थर के ऊपर घिस घिस के उस पत्थर के ऊपर क्या करता है, निशान, और उस पत्थर को भी काट देती है। जैसे आपको पता है ट्रेन आयरन पता है सबको, तो आयरन जो है वो अगर इसे एक जगह गिरा रहा तो उस आयरन के ऊपर करोजन होता है, उसका कलर कैसा तो भी हो जाता है, वो टूटता है। लेकिन अगर आपने रेल की पटरी देखी होंगी तो उसके भी जो पोल मतलब जो ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक अपन मराठी रूल बंद होता था, वो रोज वो ट्रेन से घिसता है और इसलिए वो स्टील से भी ज्यादा चमकता है। तो अगर आपको जीवन में चमकना है तो आपको खुद को घिसना पड़ेगा। जब तक आप खुद को घिसेंगे नहीं तब तक आप चमकेंगे नहीं। और
यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, घिसना तो पड़ेगा आप जिंदगी में, कभी ना कभी तो घिसना पड़ेगा। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो खुद होके घसो या दूसरा दुनिया आपसे घसवाएंगे। दो ऑप्शन और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखो हार्डवर्क, जैसे भी घिसना करना है मतलब क्या करना है, हार्डवर्क, तो हार्डवर्क आपको जीवन में कभी ना कभी करना ही है। लेकिन ये जो हार्डवर्क हम जीवन में कर रहे हैं, ये हार्डवर्क कब करना है वो हमें डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी आप अगर हार्डवर्क करते हो ठीक है, तो दूसरा एक जिंदगी में शादीवादी होने के बाद जब आप दिन रात काम करोगे तो ऐसे दो टाइप के हार्डवर्क है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक कंपनी है और उस कंपनी में आपको पता है कि कंपनी में बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं। उस कंपनी का वॉचमैन है जो बाहर जो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक अगर कंपनी रहती है तो 9 से 6 वो वहां पे रहता है, लगभग 9 घंटे के लिए काम करता है। उसका पेमेंट कितना होता है, 5,000-6,000 बहुत रुपए मंथली। उसके बाद अगर हम दूसरा अगर कोई देखेंगे तो उस कंपनी के अंदर जो लेबर जो थोड़ा ज्यादा वर्क करते हैं, कंटिन्यूसली काम में रहते हैं, तो वो लेबर कितना वर्क करते हैं, वो लेबर वर्क करते हैं कितने समय के लिए, उतना ही 9 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 7,000-8,000-9,000 होता है। दूसरा एक इंसान उन लेबर के पीछे ऐसे उनके पीछे मतलब रहता है कि ये काम करो वो काम करो ऐसा करो वैसा करो, उनको कहते हैं सुपरवाइजर। उनका पेमेंट कितना होता है, अगर लेबर का पेमेंट 8,000-9,000 है तो सुपरवाइजर का पेमेंट 10,000-15,000 रुपये होता है ठीक है, सब 9 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद उन सुपरवाइजर के ऊपर भी होता है ठीक है, जिसको हम उस कंपनी का मैनेजर कहते हैं, वो कंपनी के मैनेजर का पेमेंट कितना होता है, 20,000-30,000-50,000, वो भी 9 घंटे काम कर रहा है या उससे भी कम काम कर रहा है, लेकिन उसका पेमेंट कितना है, 50,000-40,000। और एक ऐसा इंसान होता है जो 9 घंटे नहीं सिर्फ 4-5 घंटे के लिए वो कंपनी में आता है, कभी कभी आता है तो कभी कभी आता भी नहीं है, जिसको कहते हैं हम उस कंपनी का ओनर मालक, जो 1,00,000-1,50,000 रुपए पर रोज कमाता है, इनसे कम काम करके। तो अगर हम कहते हैं कि जीवन में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हार्डवर्क करना है, हाँ जरूर करना है हार्डवर्क, लेकिन ये सारे लोग क्या हार्डवर्क नहीं कर रहे? अगर हमने देखा तो लेबर ने सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन सैलरी उनको सबसे ज्यादा मिली क्या? नहीं। क्या डिफरेंस है इन दोनों के हार्डवर्क में? जो भी उस कंपनी का मैनेजर या सुपरवाइजर या जो भी लोग है या ओनर भी अगर हम कहेंगे, तो इन्होंने हार्डवर्क किसके ऊपर लिया है, अपने खुद के ऊपर हार्डवर्क किया है, इन्होंने अपनी क्वालिटी को चेंज किया है खुद के ऊपर मेहनत करके, खुद के ऊपर उन्होंने मेहनत की है। जैसे वो मैनेजर बना, कुछ डिग्री लेके मैनेजर बना होगा, तो उसने पहले जो जीवन के 25 साल थे उस 25 साल तक अपने ऊपर हार्डवर्क किया, अपनी क्वालिटी को सुधारा और क्वालिटी को सुधारा, अपने अंदर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अपना नॉलेज बढ़ाया, अपने ऊपर हार्डवर्क किया, अपनी खुद की क्वालिटी बढ़ाई। क्योंकि जीवन में आप ज्यादा से ज्यादा वर्क कितने समय के लिए कर सकते हो, एक दिन में बहुत हो गए 12-14 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर आपको अगर जीवन में सक्सेस ज्यादा कमाना है, पैसा ज्यादा कमाना है, इज्जत ज्यादा कमानी है, तो सिर्फ हार्डवर्क करके आप कमा नहीं सकते हो। तो आपको अगर ज्यादा पैसे कमाना है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेशन है, तो आपको खुद की क्या बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी। और खुद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, खुद का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। वो लेबर काम कर रहे, खुद का नॉलेज नहीं बढ़ा रहे, वो काम कर रहे बाजू की बिल्डिंग बना रहे, खुद का नहीं बना रहे, उसके दिमाग की लेवल जैसे कि वैसे ही है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको खुद की क्या बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी। और यही वो समय है अप टू द एज ऑफ 20 इयर्स 25 इयर्स, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पूरी छुट्टी हुई है, जा पढ़ दिन रात पढ़, देखो कोई काम नहीं है।
कल जाकर कोई भी जॉब करने जाएंगे आप और उसके साथ साथ आप बोलेंगे तब आपको साक्षात्कार हो जाएगा और आप बोलेंगे सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो बोलेगा ठीक है नहीं काम कर तू जॉब से क्या कर ले रिजाइन कर दे और घर जाके पढ़ाई कर, इधर जॉब पे पढ़ना तेरे लिए मैं तुमको अलाउड नहीं करूंगा। इसलिए यही वो अच्छा समय है कि आप आपकी क्या बढ़ा सकते हो क्वालिटी, आपको समय दिया हुआ है जब बढ़ा आपकी क्वालिटी कितनी बढ़ानी है, आपको पूरा समय आप पढ़ाई कर सकते हो जिससे आपकी खुद की क्वालिटी बढ़ेगी और अगर आपकी खुद की क्वालिटी बढ़ेगी तो आपको 8 घंटे के 50,000 नहीं 1 घंटे के भी 50,000 आप कमा सकेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी और आपकी क्वालिटी कितनी भी बढ़ो कभी ये मत सोचना कि अभी मैं 100% हो गया अभी मुझे खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। जैसे वो दो भाई में से एक ने सोचा कि मुझे चेंज होने की जरूरत है, दूसरे ने सोचा मेरा तो बराबर चालू है, एक दिन जिसने सोचा मेरा बराबर चालू है मुझे खुद चेंज करने की जरूरत नहीं, एक दिन उसके ऊपर क्या कंडीशन आई कि उसके खाने के बाद हो गए। आज भी हम ऐसे बहुत सारी कंपनियां देखते हैं कि जो पहले एकदम टॉप में चलती थी आज वो उनको ताला लगा हुआ है, एक भी प्रोडक्ट उनका नहीं बिक रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद के अंदर चेंजेस नहीं किए। तो ध्यान में रखो हम मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी करनी ही पड़ती है, तो एक तो आप अभी कर लो या काय के बाद 25 साल के बाद फिर ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर लो। ठीक है तो दो में से एक कभी, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल एक मूर्तिकार था। उस मूर्तिकार के पास उसको एक ऑर्डर मिला कि हमें इस हाइट की एक मूर्ति बना के चाहिए, देवी की मूर्ति बना के चाहिए पत्थर की। वो जो मूर्तिकार था बड़ा प्यारी बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता था, तो फिर उसको ऑर्डर जैसे ही मिला वो जंगल में गया उसको क्या के लिए मूर्ति बनाने के लिए दो पत्थर ढूंढने के लिए। तो जैसे भी वो जंगल में गया मूर्ति बनाने के लिए दो पत्थर ढूंढने के लिए तो उसको दो पत्थर दिखे, दो पत्थर दिखे तो उसमें वो दोनों पत्थर लगभग उसने सेम साइज के दो पत्थर दिखे, वो दोनों पत्थर लेके आया और दोनों पत्थर लेके आने के बाद पहला पत्थर जो था उस पहले पत्थर के ऊपर उसने क्या हैमरिंग करना शुरू किया। जैसे भी हैमरिंग करना शुरू किया उस पहले पत्थर में से आवाज निकलनी शुरू हुई, नहीं मुझे बहुत पीड़ाएं हो रही है मैं सहन नहीं कर पा रहा, ऐसी पहले पत्थर में से आवाज निकली। तो जैसे भी पहले पत्थर में से आवाज निकली तो क्या हुआ कि उसे थोड़ा रुक गया और रुकने के बाद थोड़ी समय बाद उसे फिर से उसको ठोकना शुरू किया। जैसा भी उसने फिर से ठोकना शुरू किया पत्थर में से फिर से आवाज, नहीं उससे सहन नहीं हो रहा उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसने फिर से पत्थर में आवाज दे दी। उसने और थोड़ा रुकने के बाद फिर से ट्राई किया, पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, मतलब वो उस पत्थर को चेंज करना चाहता था लेकिन वो पत्थर वो दर्द वो पीड़ाएं वो कष्ट उठा नहीं पा रहा, इसलिए उसने उस पत्थर को रोक दिया। ये उसी बच्चों जैसा है जो अभी मेहनत करनी पड़ रही है उसकी वजह से जो पीड़ाएं हो रही है दुख हो रहा है वो सहन नहीं कर पा रहा, फिर उसने उसको रख दिया और रखने के बाद उसने दूसरा पत्थर उठाया। अब दूसरा पत्थर उठाया उसको भी उसने ठोकना शुरू कर दिया, तो क्योंकि उसको पर्टिकुलर शेप देने के लिए, तो वो भी पत्थर चिल्लाने लगा, क्या चिल्लाने, नहीं बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है दर्द बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मैं ये दर्द सह लूंगा, आपका काम शुरू करो। फिर उसने ठोकना शुरू कर दिया तो फिर वो पत्थर चिल्लाया कि नहीं दर्द हो रहा है लेकिन मैं सह लूंगा, आपका काम शुरू हो। फिर वो काम करते गया पत्थर को दर्द होते गया लेकिन उसने वो पूरा दर्द सह लिया, वो पूरा दर्द सहते एक रोटी के बाद उस पत्थर की एक अच्छी सी सुंदर सी बहुत अच्छी सी मूर्ति बन गई और जो दूसरा पत्थर उसने दर्द नहीं सहा वो जैसा के वैसा ही। फिर वो पत्थर पूरा मूर्ति में कन्वर्ट हो गया, अच्छी मूर्ति बन गई। फिर उसने कॉल किया कि भैया आपकी मूर्ति तैयार हो गई है लेके जाओ, उसने अच्छे से पैक कर दिया। अब वो लोग आए उसको पैसे दिए और पैसे देकर वो मूर्ति लेके जाने लगे। उसमें से मूर्ति लेने के लिए दो लोग आए थे, एक ने मूर्ति पकड़ी दूसरा बोलता है
कि भैया कि हमारे यहाँ पे अभी मूर्ति की स्थापना होने के बाद लोग आएंगे दर्शन करने, तो साथ में वो भी लाएंगे नारियल। तो नारियल ढूंढने के लिए हमारे यहाँ पे पत्थर नहीं है, तो यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ दिख रहा है, क्या मैं इसको लेके जा सकता हूँ? मुझे बोला बिंदास लेके जा सकते हो, ऐसे भी ये कोई दर्द देता नहीं है। तो जो पहला पत्थर जिसने वो शुरू में दर्द नहीं सकता, उस पत्थर को भी वो साथ लेके चला गया। अभी उस पत्थर को वो साथ लेके जाने के बाद क्या हुआ, जो पत्थर दूसरा वाला पत्थर जिसने बहुत पीड़ा है सही, वो दूसरा वाला पत्थर की लोग क्या करने लगे, पूजा। और जो पहला वाला पत्थर जिसने कुछ पहन नहीं किया, उसके ऊपर क्या खोलने लगे, नारियल। तो पहले इतने से दर्द के लिए जो रो रहा था, उसकी अभी रोज थुकाई हो रही है, ये ले इधर से ले उधर से ले। अभी तो उसको जिंदगी भर क्या करने हैं, जो लोगों के प्रहार सहने हैं। वो जिसने पहले क्या किए थे, प्रहार किए मतलब अपने सहन किए थे, उसकी पूजा हो रही है, लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं। और जिसने नहीं वो प्रहार पहले सहन किए, उसकी अभी क्या हो रही है, ठुकाई हो रही है, ले इधर से ले उधर से ले। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा ही है। जो एट द एज ऑफ 25 इयर्स मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ जीवन में कुछ अच्छा बनेंगे, उनको बाद में काम तो करना पड़ेगा। सबको 8 ही घंटे काम करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस 8 घंटे में जो आप पैसा पावर प्रेस्टीज ट्रिपल भी ध्यान में रखें, उस 8 घंटे में जो आप 3 चीजें कमाएंगे, पैसा पावर प्रेस्टीज, वो बहुत ज्यादा होगी। और मेहनत कम करनी पड़ेगी, इज्जत के साथ पैसा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, पावर मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप कभी मेहनत नहीं करते, तो काम तो आपको जो जो आपका मैनेजर कर रहा है, जो टॉप कर रहा है, उससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसा बहुत कम मिलेगा, और तब आपके पास समय भी नहीं होगा खुद के ऊपर काम करने के लिए। तो अभी आपके पास खुद को बनाने के लिए, खुद को नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके पास समय है, तो आप खुद के ऊपर काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, खुद को एक टारगेट दो, तो आपकी लाइफ 101% चेंज होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आएंगे तो और कुछ बातें हम वहाँ पे देखेंगे। तो जीवन में आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा और आप अगर चाहते हो कि हर एक संडे ऐसा एक सदा वीडियो अगर आपको चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपकी इच्छा रही तो। चलो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।